बिस्मिल्लाह। आज के टॉपिक क्या है हमारे पास? कैपिटलाइजेशन रेट डिफाइन कैसे करते हैं। तो उससे पहले क्या करते हैं, हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं अपने पास। फॉर एग्जांपल, हमने क्या करा, हम लोगों ने एक बैंक से लोन लिया, स्पेसिफिक लोन। हमने बैंक से क्या लिया, स्पेसिफिक लोन लिया। कितने का? लेट से 5 लाख का। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में मैंने क्या करा, ये मेरा प्रोजेक्ट है। जितना पैसा मैं निकालूंगा, लेट से मैंने पैसा विदड्रॉ किया लेट से कोई 1 लाख रुपये से। ठीक है, मैंने कोई 1 लाख से पैसा विदड्रॉ किया, प्रोजेक्ट में लगा दिया मैंने। मेरे पास बैंक में कितने पैसे पड़े हैं? वो भी 4 लाख पड़े हैं। तो क्या 4 लाख पे मुझे बैंक इंटरेस्ट देगा? 4 लाख बैंक इंटरेस्ट देगा? फॉर एग्जाम्पल, लेट से मैंने बोला कि मेरा, लेकिन मुझे इस मुझे कितने पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को? 5 लाख पे देना पड़ेगा, क्योंकि 5 लाख मेरे लिए आउटस्टैंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि 5 लाख को 10% रखा मैंने, और मल्टीप्लाई बाय, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने 15 कर दिया। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 12 बाय 12 कितना आया मेरे पास? ये कोई 75,000 रुपीज़। क्लियर है? अब जो बैंक के अंदर बचा होगा, कितना बचा है बैंक के अंदर? बैंक में बच रहा होगा फॉर एग्जाम्पल को 4 लाख से। 4 लाख पे क्या करेगा बैंक? भी मुझे क्या देगा? इंटरेस्ट देगा, जिसमें हम क्या बोलते थे उसको, इन्वेस्टमेंट इनकम बोलते थे। क्लियर है बात? तो मैंने क्या करा, मैंने इसमें से लेस करवा दिया जो मुझे इंटरेस्ट देना था बैंक को, उसमें से मैंने माइनस करवा दिया इन्वेस्टमेंट इनकम, जो मुझे बैंक क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। मुझे मेरी इंटरेस्ट इनकम में कितने, 4 लाख पे इंटरेस्ट देगा। लेट से 4 लाख मल्टीप्लाई बाय कोई 7% मल्टीप्लाई बाय 12 बाय, वो कितने महीने के लिए जो टाइम बकाया बचेगा, मैंने सिर्फ 12 महीने यूज़ करा था, पूरे साल विदड्रॉ नहीं किया मैंने कुछ। 28,000 रुपीज़ माइनस 275% कितना बचा? 47,000। तो लेट से स्पेसिफिक लोन की क्या होती है, क्या अगर लेट से जितना आप विदड्रॉ कर रहे हो, बाकी जो बैंक में बचा हुआ उस पर क्या देगा बैंक वाला? आपको इंटरेस्ट दे रहा होगा, ठीक है, क्योंकि सेविंग अकाउंट के अंदर आपके पास सारा पैसा ही है, इंटरेस्ट लग रहा है उस पर। लेकिन अगर इसकी बात करूँ मैं किसकी, जनरल लोन की, अगर मैं जनरल की बात करूँ, जनरल लोन लेट से मुझे लिमिट दी कितने की, 5 लाख की लिमिट दी। 5 लाख में से मैंने अपने प्रोजेक्ट में, लेट से प्रोजेक्ट में इनकर किए कितने, फॉर एग्जाम्पल वही सेम 1 लाख रुपये। कितने इनकट करे आपने? 1 लाख रुपये इनकट करे, बाकी बैंक में कितने बचे लिमिट के हिसाब से? 4 लाख। क्या बैंक आपको 4 लाख पे इंटरेस्ट देगा? क्या बैंक आपको 4 लाख पे इंटरेस्ट दे रहा होगा? बैंक आपको 4 लाख पे इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं दे रहा होगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंटरेस्ट इनकम क्या होगी, बुक नहीं होगी। इंटरेस्ट इनकम किस पे लग रही होगी, वो इंटरेस्ट किस पे लग रहा होगा? सिर्फ और सिर्फ इस 1 लाख पे। हमने क्या एंट्री रिकॉर्ड करे होंगे, 1 लाख रुपये जितना हमने यूज़ करा है, 20% मल्टीप्लाई बाय जितने महीने के लिए भी आप यूज़ कर रहे हो, 12 बाय 12 महीने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो वो अमाउंट क्या देगा, मेरा इंटरेस्ट कम हो जाएगा। लेकिन जो बच रहा है बकाया अमाउंट, इस पर क्या होगी, इंटरेस्ट इनकम बुक नहीं होगी। ये अपने बात भी लिख लेना छोटा साइड में, कि लेट्स सी लिमिट है ना मेरा 5 लाख की, मैं 5 लाख से बैंक निकाल के दे को ही दिए थे हमें, उसने कहा आप यूज़ कर सकते हो 5 लाख तक। आपके पास एक ODI की सर्विस चल रही है, कहाँ तक की? 5 लाख तक की। जितना आप निकालते जाओगे उतने उस पर आपका इंटरेस्ट लगता जाएगा, बाकी का आपको इंटरेस्ट नहीं है। मीन 4 लाख जो अगर लेट से मैंने विदड्रॉ नहीं किया, तो 4 लाख का इंटरेस्ट देना पड़ेगा मुझे, या बैंक इंटरेस्ट देगा मुझे? नहीं देगा, क्योंकि ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट इनकम को ही है हमारे लिए। क्लियर है बात? अब एक बैंक के अंदर लास्ट फॉर एग्जांपल हमें क्या सिर्फ एक ODI मिल सकता है, बहुत सारे ODI भी हो सकते हैं। लेट से मैंने मुख्तलिफ किस्म के क्या लिए, मैं ODI लिए, मैं हमें लेट से फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बैंक ए था, ये भी ODI है मेरे पास, ये भी ODI बैलेंस है, ODI बैलेंस है, ये भी ODI बैलेंस है। क्या सबके रेट क्या चेंज हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल इसका रेट लेट से 15% है, इसका कोई 17% है, इसका कोई लेट से 20% है, इसका कोई 25% है। तो क्या आपको क्या लगता है कोई वेट, कोई एवरेज रेट निकालना पड़ेगा कोई? भाई लेट से अगर मैं इंटरेस्ट में तो कोई चीज़ कैपिटलाइज करूँगा, तो कोई ना कोई इंटरेस्ट आई में कोई 20 का इंटरेस्ट आ जाए कोई, तो मैं क्या एवरेज इंटरेस्ट निकालूँ? एवरेज इंटरेस्ट रेट निकालूंगा नहीं। एवरेज इंटरेस्ट में क्या होगा, मैं इन तीनों को प्लस, इन चारों को प्लस करूंगा, डिवाइड बाय क्या कर दूं, 4 कर दूं, तो ये तो एवरेज निकल गया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इनके टाइम के हिसाब से निकालना है। जो इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल मैंने लोन अगर लेट से 4 महीने पे ऑब्टेन किया है, तो 4 महीने की टाइमिंग है, 4 महीने लगे, जैसे 6 महीने उसको 6 महीने लगे, जैसे 7 महीने उसको 7 महीने लगे। ठीक है, जब मल्टीपल ODIs आप यूज़ कर रहे हो, तो आप जब मल्टीपल ODIs यूज़ करते हैं, लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, व्हेन मल्टीपल ODIs आर अवेलेबल वी यूज
कैपिटलाइजेशन रेट। अब हमें रेट चाहिए होगा कैपिटलाइजेशन रेट, अब वो होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या होगा, आपके पास एक फार्मूला दिया हुआ आपको किसने कि इंटरेस्ट को डिवाइड करवा दो वेटेड लोन से। लेट से फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक अमाउंट आ रहा है कितने का, 1 लाख का। आपने अमाउंट कितना पीरियड आउटस्टैंडिंग रहा, आपके पास कितने महीने रहा। लेट से आपने कोई 1 लाख रुपये विदड्रॉ करे बैंक ए से, उस पर इंटरेस्ट लेट से 12% है, लेकिन रहा कितने महीने आपके पास, उससे कुछ 8 महीने। तो आप क्या करोगे, 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दोगे 8 महीने, 8 बाई 12 से करोगे, कितना आ रहा है अमाउंट, ये आ रहा है कोई 66,667। मीन्स आपके पास ये इंटरेस्ट कितने महीने था, 8 महीने के हिसाब से कितना अमाउंट आ गया लोन, आपका वेटेड लोन कितना आ गया 66,670। इस पे रेट लगाओ 12% से, क्या आप पे रेट पे कितना इस पे देना है आपको इंटरेस्ट, कितना आ गया 8,000। तो आप क्या करोगे, आप इन सब के टोटल को डिवाइड कर दोगे वेटेड एवरेज के लोन, ये वेटेड लोन के बैलेंस से। इंटरेस्ट को डिवाइड करना है वेटेड एवरेज के बैलेंस से, मीन्स इसको डिवाइड करेंगे इसके बैलेंस से। क्लियर है बात मेरी। सवाल की तरफ आते हैं अपने, ताकि और ज़्यादा अच्छा समझ में आए। इसका फार्मूला लिख दूँ यहाँ पे मैं, इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड लोन। मीन्स हमने क्या करा है, इसको टाइम के हिसाब से तोड़ दिया। अभी सवाल में लिखा हमारे पास के, पढ़ लेते हैं कि कंपनी ऑब्टेंड जनरल बोरिंग बैंक ए से, बैंक बी से, बैंक सी से, बैंक सी और डी से, कितना अमाउंट, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 9 लाख रुपये, कितने अमाउंट पे, 10% पे, 12% पे, 15% पे, 20% पे, और लोन कब कब ऑब्टेंड किया इन लोगों ने, 1 जून को, 1 जून को, 1 अगस्त को, 1 दिसंबर को, 18 के महीने में। तो हमें क्या करना है, हमें इसके आगे इसका चार्ट बनाना। सबसे पहले क्या चीज़ आ रही होगी, लोन का नाम आ रहा होगा, लोन की टाइप आ रही होगी, लोन का नाम लेट से ABCD लिख दिया हमने, लोन असल में यहाँ पर लिखवा रहा होगा, यहाँ हमने लोन का क्या लिख दिया, अमाउंट लिख दिया। इसके अलावा यहाँ पे क्या रहा होगा, टाइम आ रहा होगा कि कितने महीने क्या रहा है, आउटस्टैंडिंग रहा, कितना टाइम पीरियड इसने आउटस्टैंडिंग रहा। उसके बाद क्या होगा, वेटेड लोन आ रहा होगा, ये लोन को मैंने क्या कर दिया, उसके टाइम के हिसाब से छोड़ दिया। फिर यहाँ पे रेट आ रहा होगा उसका, उसके बाद यहाँ पे क्या रहा होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट आ गया होगी। लेट से कितने लोन है अपने पास, एक लोन ए बी सी डी, अमाउंट कितना है, 4 लाख रुपये, 6 लाख रुपये, 8 लाख रुपये और 9 लाख रुपये। टाइम कितना यूज हुआ, ये अगर लेट से इसका ईयर एंड 31 दिसंबर है अगर, तो मैं देख रहा हूँ 1 जनवरी से लेके कब तक रहा है मेरे पास ये लोन, ये 31 दिसंबर तक, पूरे 12 महीने के लिए। अगर 31 दिसंबर का मेरा ईयर एंड है, तो पहला लोन कितने महीने के लिए रहा, पूरे 12 महीने के लिए। तो मैंने इसको डिवाइड भी किससे किया, 12 बाय 12 से किया, तो कितना अमाउंट आया ये पूरा, 4 लाख ही आ गया। क्लियर है भाई, 1 जैन से लेके 31 दिसंबर से पूरा 12 महीने आउटस्टैंडिंग था मेरे लिए। तो लोन 12 महीने लिया मैंने, टाइम कितना आ गया, और लोन का अमाउंट कितना आ गया वेटेड करके, 4 लाख ही आ गया। सेकंड, और इसका रेट कितना हमारे पास, 10% से, तो कितना अमाउंट बनाई मेरे पास, 40,000। क्लियर है। उसके बाद फिर सेकेंड लोन की बात करूँ अगर मैं, 6 लाख रुपये, कितने महीने, 1 जून को ये लोन मैंने क्या किया, ऑब्टेन किया, 7 महीने था मेरे पास, तो 7 बाय 12 करेंगे इसको, कितना अमाउंट आया, 3.5 लाख रुपये, और रेट कितना है इसका, 12% से, तो कितना हो रहा है, 42,000। डन यहाँ तक। थर्ड लोन जो है मैंने कब ऑब्टेन किया, 1 अगस्त को, कितने महीने था आउटस्टैंडिंग आया मेरे पास से, बोलते 5 महीने, तो 5 बाय 12 कर देंगे, सो कितना आ रहा है अमाउंट, 3,33,333 रुपये, तो उसका रेट कितना है, 15% से, अमाउंट कितना आ जाएगा, 50,000 से। डन। उसके बाद 9 लाख रुपये कब आया ये, 1 महीने के लिए सिर्फ आउटस्टैंडिंग, तो 1 बाय 12 करेंगे, कितना अमाउंट आया ये, 75,000 रुपीज़, और रेट कितना है इसका, 20%, 15,000। इनको सम करो, ₹1,47,000, ₹1,158,333। ठीक है, कैपिटलाइजेशन रेट क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट को डिवाइड करना है वेटेड लोन से।
तो इंटरेस्ट कितना है मेरे पास 147,000 और ये कितना आ गया 1,158,333। कितना रेट नहीं आ रहा है मेरे पास 12.69%। अब जनरल लोन पर हम कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होंगे कितने परसेंट से 12.69% को डन है अगली बार। जिस साल का हम कर रहे हैं कैलकुलेट कर रहे हैं उस साल का हम टाइम पीरियड देखेंगे कितना टाइम किसमें क्या रहा है और टेन का है मतलब इस साल कितने महीने रहा है हमारे पास। यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर 11 का यहाँ पे आ रहा होगा लोन आ रहा होगा यहाँ पे उसका अमाउंट आ रहा होगा यहाँ इसके बाद टाइम आएगा यहाँ पे वेटेड लोन आ जाएगा इंटरेस्ट देन उसके बाद ये इंटरेस्ट रेट आ जाएगा और यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ कितने लोन है हमारे पास ए बी सी डी ई ए बी सी डी और पहला लोन कितने का 5,00,000 से सेकेंड 8,00,000 से 4,00,000 से 1,000,000 से एंड सो ऑन 6,00,000। तो रीड कर लेते हैं दोबारा। इसमें लिखा हुआ हमारे पास कि लेट से लोन हमारे पास लोन की टाइप आ रही है अमाउंट आ रहा है हमारे लोन ऑप्टेन आ रहे हैं रीपेमेंट्स आ रही है कि हम इस लोन को रीपे कब कर रहे हैं और उनके रेट्स आ रहे हैं। रेट तो चलो सेम है, अब रीपेमेंट क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट से मैंने लोन ऑप्टेन किया है कब 2016 के अंदर 1 जनवरी को और मैं वापस कब कर रहा हूँ मैं 30 जून 2018 में और मुझे ये बोल रहा है कि यार आप क्या करो आप इसका कैपिटलाइजेशन रेट निकालो किसका फॉर 2018 एंड 2019 के लिए। ठीक है तो आप क्या देखोगे 1 जनवरी 2016 से लेके 31 जून तक देखो ये 30 जून तक देखोगे आप नहीं सिर्फ 18 में देखो कितने महीने रहा खाली 6 महीने रहा। तो आप यहाँ पे क्या लोगे सिर्फ और सिर्फ 6/12 कर दो। क्लियर है? उसके बाद सेकंड में आया ये 1 जनवरी 2017 को मैंने ऑप्टेन किया था और 31 दिसंबर 2018 तक रहा पूरे 12 महीने के लिए तो 12/12 कर देंगे। उसके बाद 1 जनवरी 2017 में मैंने क्या करा ऑप्टेन किया कब रिपे कर रहा हूँ मैं 30 जून 2019 में मीन 18 में तो पे हुआ था ये 18 में रिपे हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ तो मीन्स पूरे 12 महीने के लिए रहा होगा लोन मेरे पास तो 4,00,000 भी कितने महीने में आ जाएगा 12/12 महीने के लिए। ये 19 साल बोल रहे हो आप ये भाई बात सुनो आप ये देखो लोन रीपे कब कर रहे हैं क्या 18 में कोई लोन रीपे हुआ है 19 में हुआ ना अभी हम कौन से ईयर का कर रहे हैं 18 का कर रहे हैं ये फोर 2018 है ये अलग अलग बनाना पड़ेगा। अब 2018 के लिए मैं देखूँ तो 18 के लिए क्या ये अप्लीकेबल है मेरे पास ये 19 में हम रीपे करेंगे तो क्या 19 अभी पहुँचा है हम लोग नीचे रहा होगा पूरे साल 2018 के अंदर तो कितने महीने के लिए 12/12 महीने के लिए। ठीक है इसके अलावा ये 1,00,000 का लोन लिया मैंने कब 1 जनवरी 2019 के अंदर 1 जनवरी 2019 में क्या लिया लोन लिया मैंने ये 19 है ये 19 कर लेना। अभी कब लोन लिया मैंने 1 जनवरी 2019 को लिया है और अभी तो वापस करने का कोई इरादा नहीं है मेरा तो रहा होगा पूरे महीने पूरे साल के लेकिन किस में रहा होगा ये 19 में रहा होगा क्यों लिया कब 19 में लिया ना मैंने मीन्स ये भी मेरे लिए 2018 के लिए अप्लीकेबल नहीं है ये भी अप्लीकेबल नहीं है ये भी कब ले रहा 1 जुलाई को ले रहा 2019 के अंदर मीन्स सिर्फ 3 इंटरेस्ट आ रहे होंगे आपके पास। इसको रिमूव कर दूं मैं दोनों अमाउंट ये कितना आ गया मेरे पास 2,50,000 से और इस पर इंटरेस्ट रेट कितना है हमारे पास 5,00,000 वाले पे था 16% 15% और 20% कितना अमाउंट आया ये 2,50,000 × 16% 40,000 रुपये आप भी करो सकते हैं और ये पूरा कितना आ गया 8,00,000 रुपये और ये 4,00,000 कितना हो गया ये 1,20,000 रुपये और ये कितना आ रहा है 80,000 रुपये
कितना हो गया 240, और ये कितना हो गया हमारे पास 14,50,000। इसको से डिवाइड कर दो तो कितना सी आ रहा है आपका 240/1450, कितना आ गया 16.55%। तो 2018 के लिए आपका कैपिटलाइजेशन रेट कितना आ रहा है 16.55। क्लियर यहाँ तक बात करिए, डन है। इसके अलावा अब अगर मैं आऊँ 4/2019 के लिए, तो अब 19 में अगर मैं चेक करूँ तो 19 में ये एप्लीकेबल है मेरे लिए नहीं, पहला वाला, क्योंकि ये 18 में नहीं पे हो गया था, ये तो एप्लीकेबल नहीं है। बी के लिए बी एप्लीकेबल है, बी भी नहीं है। सी है, सी एप्लीकेबल है, डी ए भी है और ई भी है। तो लिख लें यहाँ पे सी डी और ई। कितना तो इंटरेस्ट इनका लोन का अमाउंट कितना है इनका 4,00,000, 10,00,000 और 6,00,000। 4,00,000, 10,00,000 और 6,00,000, ठीक है। अब ये कितने कितने महीने आउटस्टैंडिंग था हमारे पास, ये रहा हमारे पास 30 जून 2019 में क्या करेंगे, रिपे करेंगे। तो कितने महीने रहा, सिर्फ 6 महीने के लिए, ये 6 महीने रहेगा 6/12 किया, तो कितना है मेरे पास ये 2,00,000 रुपये। क्लियर है। उसके बाद उसका रेट कितना था हमारे पास 20% से, कितना आ जाएगा ये 40,000 रुपये। आफ्टर 1,00,000 वाला अमाउंट भी देने का कोई मूड नहीं है, तो 12/12 महीने के लिए रहा पूरा 10,00,000 रुपये। कितना रेट है इसका, इसका रेट है 19% से, मीन्स 19,000 रुपये, सॉरी 1,90,000। क्लियर है। उसके बाद आखिरी लोन हम रिकवरी पे कर रहे हैं, 1 जुलाई 2019 में लिया है मैंने, और 30 नवंबर 2019 में क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा। कितने महीने के लिए रहा ये, 1 जुलाई 2019 में ही आया है मेरे पास, ऑब्टेन भी 19 में किया है, 5 महीने के लिए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 महीने के लिए। दिसंबर में 30 नवंबर को पे कर रहा हूँ, 5 महीने रहा खाली आउटस्टैंडिंग। तो 5/12 और रेट कितना है इसका, 2,50,000 और 25% 62,500 कितना हो गया ये, ठीक है। और ये कितना हो गया मेरे पास 1,450, इससे डिवाइड कर बहुत सी आर निकालने के लिए 2,92,500/1,450,000 कितना है हमारे पास 20.17। तो 2019 के लिए हम किस पे रेट लगाएंगे, हम कैपिटलाइजेशन रेट कौन सा होगा मेरा 20.17%। क्लियर है यहाँ तक, तो बिल्कुल सेम ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12। सब चीज़ें वही निकालनी है, 2016 के लिए क्या निकालना है आप लोगों ने, रेट निकालना है, ठीक है। 16 का निकालना है एंड बस 16 का निकालो, ठीक है। इसके अलावा ठीक है 16 आ जाएगा आपके पास, और क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये करना है, इसमें कुछ भी नहीं है। पहले आप लोगों ने क्या करना है, तीन तरह के आपको ओडी दिए हुए, आपको पहले क्या निकालना है इसका सीआर निकालना है। सीआर निकालने के बाद जैसे हम लोग नॉर्मल सवाल करते हैं, जनरल रेट निकल जाएगा आपके पास, जनरल के लिए रेट चाहिए था कैपिटलाइजेशन रेट, बाकी जैसे हम लोग एलोकेट करते थे टाइमलाइन बना के, याद है लेफ्ट ओवर और जनरल वगैरह, उस तरीके से सवाल करते जाएगा। तो रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, रिक्वायरमेंट पढ़ लेता हूँ खाली में, कैलकुलेट द जनरल वेटेड एवरेज बोरिंग रेट एंड द कैपिटल एलिजिबल बोरिंग कॉस्ट, ठीक है। दो रिक्वायरमेंट हो जाएगी हमारे लिए, टाइम पीरियड नहीं पूरा 12 महीने के लिए कंसिडर करो, ठीक है, या टाइम पीरियड बताया नहीं पूरा 12 महीने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 13 हो गया मेरे पास, 12-13 14 बिल्कुल सेम है,
ओके क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 में जैसे हम लोगों ने पहले सवाल कर चुके हैं कि राइट शेयर भी दिए हुए मुझे, स्पेसिफिक लोन भी है और जनरल लोन भी है। यहाँ पर कोई इंटरेस्ट वगैरह निकालना नहीं, कैपिटलाइजेशन वगैरह यहाँ निकाल के दिया, देखो जनरल बोरिंग कैपिटलाइजेशन रेट निकाल के दिया हुआ है 14%। तो कैसे इसके हिसाब से पेंड आता है राइट शेयर वाला सवाल हमने किया हुआ है, एक इंटरेस्ट बेरिंग हो गया, नॉन इंटरेस्ट बेरिंग है। अच्छा सवाल में लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं एक लाइन पढ़ देता हूँ, राइट शेयर इशू ऑफ 3 लाख रुपये ऑन 1st February 2012, डिविडेंड रेट इज 10%, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है अभी डिविडेंड से। ठीक है ये करो, इंशाल्लाह मिलते हैं।